देश की राजधानी दिल्ली को यूं तो स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है। हर चुनाव में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि दिल्ली को लंदन बना दिया जाएगा, दिल्ली में ये तैयारियां की गई हैं, लेकिन ये जो घंटा है मेरे पीछे ये दिल्ली की हकीकत को बयां करता है। इंडिया गेट सर्किल पर अचानक आज सुबह ये जमीन धस गई। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली की खस्ता हाल सड़कों को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। बीते दिनों जनकपुरी में बड़ा हादसा हुआ था, सामने आपको इंडिया गेट नजर आएगा, लेफ्ट में हाईकोर्ट है, लेकिन दिल्ली में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, दिल्ली में किस तरीके की मॉनसून की तैयारियां की गई उसकी वानगी ये गड्ढा दिखाता है। हालांकि एनडीएमसी ने तुरंत दिल्ली पुलिस ने यहाँ तमाम इंतजाम किए, बैरिकेडिंग को लगाया, कर्मचारी है उनको मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एनडीएमसी कर्मचारी यहाँ पर खड़े हो चुकी है। बहुत चलने वाली सड़क है, इंडिया गेट सर्किल है, लेफ्ट में आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको हाईकोर्ट नजर आएगा और अचानक वहाँ इतना बड़ा गड्ढा बन जाता है। अगर ये गड्ढा ट्रैफिक मूवमेंट के समय होता तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा हादसा हो सकता था। दिल्ली में हर वर्ष 1500 करोड़ रुपए मानसून से पहले सफाई, नालों की सफाई, बाढ़ नियंत्रण पर खर्च किए जाते हैं, हजारों करोड़ रुपए सड़कों की बनावट पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन इस तरीके के गड्ढे दिल्ली की हालात को दिखाते हैं, दिल्ली की कंडीशन को बयां करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एनडीएमसी ने एक जेसीबी भेजी है ताकि वो खड़ी रहे, दूर से दिखती रहे, कोई हादसा ना हो। ये बेहद चलने वाली सड़क है, इंडिया गेट सर्किल है, चारों तरफ अगर आप दिल्ली में कहीं जाना चाहते हैं तो इसी से मूवमेंट करते हैं। फिर भी सवाल तमाम खड़े होते हैं कि आखिर हजारों करोड़ रुपए कहाँ जा रहे हैं। दिल्ली में जगह जगह इतने बड़े गड्ढे वो कर रहे हैं जिसके पीछे क्या वजह है पता लगाई जाएगी, या फिर हर वर्ष इस तरीके के वादे किए जाते हैं कि अगले साल मानसून में हम तैयारियां करेंगे, वही कंटिन्यू रहेंगे। सहयोगी बीनू के साथ शिवम प्रताप, नगरों की टीम, दिल्ली।